सभी ने ईशान सर से कहा आई हेट यू। ईशान सर के उड़े होश टीवी सीरियल गुम ही किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां एक तरफ रावण बन करके चिन्मय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है और यहां पर राव साहब जो करवाना चाहते थे नेताजी से काम वो भी नहीं हो जाने वाला है और नेताजी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर के चले जाएंगे। अब यहाँ राव साहब चिन्मय को सामने तो कुछ नहीं कह पाएंगे लेकिन घर में जा कर के उसकी काफ़ी ज़्यादा खबर लेने वाले हैं। चिन्मय जो चाहता है कि राव साहब को बर्बाद कर दे क्योंकि बचपन से ही आज तक उन्होंने उसके साथ काफ़ी गलत किया है और यहाँ पर ईशान को सब कुछ दिया है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तो चिन्मय जो है इन सारी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पूरे तरीके से इस्तेमाल करेगा उनसे बदला लेने के लिए और सारी बातें जो है सबके सामने भी बताएगा कि आखिर सच क्या है। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाने वाले हैं भोसले परिवार वाले, सभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाली है सब देख करके कि आखिर चिन्मय दादा करना क्या चाहते हैं, इनके मन में कौन सी बात है जिससे यह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और बदला लेने पर उतारू हैं। चिन्मय जो है उसके मन में जो कुछ भी है वह सारी चीज़ें बता देने वाला है लेकिन यहाँ राव साहब जो है उसकी बात मानने को तैयार नहीं होने वाले हैं। अब दूसरी तरफ ईशान जो है जब उसको पता चलेगा कि आखिर चिन्मय दादा चाहते क्या हैं तो वह उसको वह देने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि राव साहब चिन्मय की डिमांड को पूरा करते हैं या फिर यहाँ पर चिन्मय और भी ज़्यादा तमाशा करेगा और राव साहब की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। अब दूसरी तरफ सभी के मन में जो चल रहा है वह मौका देख करके ईशान सर से कहने की कोशिश ज़रूर करेगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान सर को भी कुछ ना कुछ अब लगने लगा है कि बात जो है वह हद से बाहर जा रही है तो सभी को सारी सच्चाई बता ही देनी चाहिए और वह भी मौका ढूंढ रहे थे सभी को सच बताने का। अब सभी अपने दिल की बात बताने वाली होती है। ईशान सर के लिए एक गुलाब लिया है उसने जिससे कि वह ईशान सर को प्रपोज कर सके, अपने दिल की बात कह सके कि वह उनसे कितना प्यार करने लग गई है। इसके पहले ही ईशान सर के मन में जो चल रहा था वह सब कुछ सामने आ जाता है और सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब ईशान सर कहते हैं कि तुम्हारे परिवार वालों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं मैं हूँ। तो यहाँ पर सभी कहती है तभी तुम्हें कहूँ कि इतने दिनों से आप कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपने बताया नहीं था क्योंकि आपके मन में चोर था, आप मेरे परिवार वालों को मारने के लिए ज़िम्मेदार हैं तो मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे मन में आपके लिए पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे थे और मैं वही सब आपसे बताना चाहती थी लेकिन अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, आई हेट यू। और वहाँ पर सभी वह गुलाब ज़मीन में फेंक करके रोते हुए आगे बढ़ जाएगी और ईशान सभी को रोकने की कोशिश करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया था लेकिन सभी एक नहीं सुनेगी और यहाँ पर सभी गलत फहमी का शिकार भी हो जाएगी। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर सभी ईशान को कैसे माफ़ करेगी और यहाँ पर ये गलत फहमी कैसे दूर होगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।